आज हम पुनः एक प्लाट में आए हुए हैं, धान के प्लाट में। यहाँ हमारी किसान भाई ने इस प्लाट में बायर कंपनी की 2644 धान लगा रखे हैं और काफ़ी अच्छी वैरायटी है। आप देख सकते हैं इसके दानों की जो बालियों की साइज है काफ़ी अच्छी है। लगभग एक बाली में देखा जाए तो 400-450 दाने इसमें समथिंग होंगे और कल्लों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। लगभग इसमें कल्लों की संख्या देखें तो 12 से 15 कल्ले हैं इसमें, एवरेज कल्लों की बात करें तो। और अपने किसान भाई से हम इसका अनुभव शेयर करेंगे, इन्होंने कब लगाया था इस वैरायटी को, कब लगाए थे सर आप इसको? इधर आ जाइए सर। ये लगी थी 16 जुलाई को। 16 जुलाई को ये वैरायटी इन्होंने लगाया था, मतलब बो दिए थे आप? 16 जुलाई शुरुआत नहीं, बोई नहीं थी। अच्छा, लगाई गई ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग किए थे 16 जुलाई को। अच्छा अच्छा। और ये दाना डाला गया था लगभग जी जून में, 15-17 जून को पड़ा था। 15-17 जून को आपने इसमें दाना डाला था। अच्छा अच्छा। इसमें कौन कौन से खाद का आपने छिड़काव कर चुके अभी तक? बस वही माइक्रो जाइम जी और यूरिया डीएपी। यूरिया डीएपी का आपने छिड़काव किया और माइक्रो धनजाइम। धनजाइम आपने छिड़काव किया। काफी अच्छी वैरायटी है आपके बोर बिना और चल रही। दानों का और इनकी एक बोर भी है, आप देख सकते हैं जो बिना बिजली के चल रही है। बिना बिजली के चल रही है। इधर पानी की सुविधा बहुत अच्छी है, पानी बहुत अच्छा, वाटर लेवल है, तो धान के लिए बहुत ही अच्छा ये जो है क्षेत्र है। ये पौड़ी कौन सा गांव सर है? इटमा पश्चिम टोला। इटमा पश्चिम टोला है जो, जिसकी तहसील क्या है? अमरपाटन। ताला अमरपाटन है, जिला सतना है मध्य प्रदेश। और धान के क्षेत्र में काफी अग्रणी गांव है ये। यहाँ बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, अच्छी खेती होती है और प्याज के लिए भी काफी अच्छा बेल्ट है ये 64-44 की। आप देख ही सकते हैं कितनी बेहतरीन धान। और किसान भाइयों से यदि हो सके तो आगामी समय में 64-44 धान की वैरायटी जरूर लगाएं, क्योंकि ये उत्पादन के लिए और रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। इसमें रोग भी ज़्यादा नहीं लगते और उत्पादन भी बहुत अच्छा मिलता है। सर हमारे आर्यन सर हैं, थोड़ा समझाएंगे। इसमें क्या है कि बदरा भी नहीं है बिल्कुल जी, सभी दाने लगभग बराबर आए हैं जी और दानों की संख्या 450 के लगभग है ही है जी जी और कल्ले भी अच्छे दी है जी। कुछ तो किसान भाई एक गड़बड़ी किए हैं इसमें, स्प्रे नहीं किए। स्प्रे नहीं किए इसमें? हाँ जी। दवाई लेके आए तो फिर वापस दे दिए। अच्छा, वापस लौटा दिए दवाई हाँ। लेके। अच्छा, जो देखिए ये जैसे इसमें बदरा हो गई, ये गान उड़ रहा है गांधी बाग, ये गांधी बाग कीट। हाँ जी, ये पंचर कर देती है जी, वही समस्या है थोड़ी। गांधी बाग कीट का प्रकोप कहीं कहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए कीटनाशक डेसी 100 बायर का 15 ml प्रति पंप ये देखिए छिड़काव जरूर करना चाहिए। दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये देख सकते हैं आप, ये हाँ इसको खा गई गंदी बकेट, इसके दूध को चूस लिया तो ये बदरा हो गई, धान पूरी खाली हो गई, पोछी हो गई। और बढ़िया है और धान तो बहुत अच्छी है। कहीं कहीं वो दिख रही है, कहीं कहीं समस्या दिख रही है इसमें। और किसान को आलसपन नहीं करना चाहिए बिल्कुल, आलस बिल्कुल नहीं करना चाहिए किसान को। अगर वो इस समय आलस कर गए तो समझ लीजिए उनका 1-2-3 क्विंटल प्रति एकड़ घट जाना ही है। किसी बुजुर्गों ने कहा था जी कि आलस नींद किसान ही नाशय, चोरा ही नाशय खांसी, हंसी खुशी सन्यासी नाशय, बाबा ही नाशय दासी। वाह वाह, ये हमारे बघेलखंड की बहुत ही अच्छी कहावत है जो सर ने सुनाई, हमारे बघेलखंड में वो लागू होती है। सर इसका अर्थ समझाएंगे थोड़ा? इसका अर्थ है कि आलस करने से किसान का उत्पादन घटेगा जी, और चोर जो अगर खांसी आएगी तो जो अगर किसी घर में चोरी करने घुसेगा तो जाग जाएगा जी, और इसके बाद आलस नींद किसान है चोरा ही नाशय खांसी हंसी खुशी सन्नासी। सन्नासी जो होता है उसको हंसी खुशी से कोई लेना देना नहीं है जी, चाहे कोई हंस खुश रहे चाहे कोई बीमार रहे जी, उससे कोई लेना देना नहीं। और बाबाओं को के पास अगर दासी रहेगी तो बाबा नहीं है, नहीं है अगर उसके पास दासी है तो फिर काहे को बाबा। बहुत अच्छी बात आपने कही, उसी तरह किसान को एक्टिव रहना चाहिए हमेशा, उसी तरह अपने खेत में आलस्य किया तो उसका उत्पादन घटना ही घटना है और आलस्य नहीं करना चाहिए सर ने बोला। और आलस्य नहीं करेगा से ही आलस के किसान बदरा हुआ। मान लीजिए 1 एकड़ में हमारा 3 क्विंटल घटा जी, हमारी दवाई लग रही है
50 किलो की जी 2.5 क्विंटल जो हमारा शुद्ध लाभ है वो हमारा चला गया। सिर्फ एक आलसपन के कारण कौन डालेगा दवा। हाँ। बड़ा है धान हमारी तो ये धान भी होती इतनी बड्डी तब भी हम दवा डालते इसमें। जी 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 ये हमारा कर्तव्य है, किसान भाइयों का कर्तव्य है कि यदि कीट दिखे तो तुरंत स्प्रे कर देना चाहिए क्योंकि उनका नुकसान होता है। खेती ही लग गया। उनके पास तो खेती ही एकमात्र उपाय है। आप लोग कंडों की दवा आप डालें, काम ऐसा नहीं काम नहीं करता 100% कोई भी दवा काम नहीं करती 100% कुछ नहीं होता। हाँ। अगर आपको 80% मिल गया तो 20% नुकसान ना होगा। हाँ। अगर 100 बालियों में लगना है तो 80% हो गया तो आपका 20 बाली में लगा और 80 बच गई, बाकी तो बच गई ना। तो आलस सिर्फ सबसे ज्यादा किसानों के पास आलसपन के कारण लोग चौपट ताश पीटने लगते हैं। हाँ। और खेत जाते भी नहीं है, नहीं जाते कोई तो किसान 10-10 दिन 15-15 दिन वाले खेत में वही तो है। देखिए अगर आप ताश ना खेलते होते तो उस टाइम में कहीं ना कहीं किसी न किसी खेत आप जाते, आपके पास 4 खेत हैं, आज इसमें गए हैं कल इसमें जाइए परसों इसमें जाइए, कुछ न करिए, जाइए और चक्कर लगाइए उतने में ही रौनक रहेगा। मान लो गंधी लगी आपको नजर आ गई यार तो खा रही है इस कंडो लग रहा है इसकी दवा चाहिए, आप थोड़ा थोड़ा 2-4 डब्बा करके डालिए, ज्यादा जरूरत इसमें आपकी इल्ली है एक वो इल्ली काट के खाई है, एक वो बाल दिख रही है इल्लियों के कारण दिख रही है। हाँ। पर हमको क्यों दिख रहा है क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है ये देखना। हाँ। इसलिए हमको जब तक आपका उद्देश्य नहीं बनेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत अच्छी तो बात सही है हमारे सर ने। 100 क्विंटल 200 क्विंटल बेच लिए वो बात नहीं, आप 1 एकड़ का खर्च लगा जोड़ के फिर क्या बचता है, फिर क्या बचता जैसे है? प्याज में लोगों ने कहते हैं कि इतना बच गया नहीं बचता कुछ नहीं बचता। 40,000 रूपए खर्च है प्याज का 1 एकड़ का। मैं दूंगा यूट्यूब आप लोगों जी, को बताएंगे। जी बताएंगे हमारे सर अभी खर्चा बताएंगे कितना खर्चा आता है 1 एकड़ का, आप जरूर देखते रहिए बताएंगे जी, क्योंकि मैं पूरा सब लिख के काम करता हूँ, प्रैक्टिकल किए हैं काफी वर्षों से इनको अनुभव रहा है और कई क्षेत्रों में इन्होंने भ्रमण किया, किसान सेवा की इन्होंने और काफी अच्छा नॉलेज इनसे मिल रहा है। तो आप जब तक हम लोगों को पूरा कंफर्म नहीं होता बिल्कुल हम लोग कुछ नहीं बताते, हम हमेशा प्रैक्टिकल करके ही कोई निष्कर्ष निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।